शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी और कुणाल की शादी नकली है। आशी चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। मैं तो बस आपका ये मांग टीका लौटाने आई थी। ये सब छोड़िए, बताइए कि आप क्या बात कर रही थी। आशी और कुणाल की शादी नकली है। आशी अब तो कुमारी है। हे भगवान, ये सब सुन के सिर्फ मुझसे एक सेकंड में रिश्ता तोड़ के उस आशी से रिश्ता जोड़ लेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप रहो, कुछ सुन लेगा। इतना बड़ा राज आशी का इस घर से कुणाल से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब से मुझसे बंधन तोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा मुझे। एकदम चुप, पानी पियो। छोड़ देगा? चुप, नौटंकी कहीं की। जानते हैं हम इस राज को, राज रखे थे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आशी इस घर से जाए। अरे हमारा बेटा कुणाल आशी से प्यार करता है। और मैं सिद्ध से प्यार करती हूँ। मैं किसी भी कीमत पे सिद्ध को नहीं खो सकती हूँ। इस राज को राज ही रहने दीजिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हाथ मिला ले इस बात पे। तुम्हारे भाई ने हमारी बेटी के साथ इतना कुछ कर दिया और तुम्हें लगता है हम अब भी तुम पर यकीन करेंगे? आंटी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, एक बार तो यकीन करके देखिए। देखिए, मैंने सिट को पाने के लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं उसको नहीं खो सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे सिट और आपके कुणाल के लिए हमें एक होना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। प्लीज, इस औरत पे विश्वास नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो अमित अंकल के फोर्स करने पे ये अपना मुंह खोल दें। वैसे भी कुणाल की पत्नी घर में आ गई है और अब आशी भी शादीशुदा नहीं है। सिट के साथ मेरा रिश्ता भी इतना पक्का नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। सिट बेटा, एशियन गाला मेट में अगर हमारे ब्राइडल डिजाइन सेलेक्ट हो गए तो भविष्य में हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सिट बेटा, हमने कुछ सैंपल्स मंगवाए हैं, जरा एक नज़र उन्हें चेक कर लो और डिसाइड करके हमें बताओ कि हमें कौन से ब्राइडल कलेक्शंस वहाँ पे भेजने। और ये कलेक्शन तुम्हारी माँ के नाम पर होगा, तो इसलिए हमें ये हर हाल में जीतना ही जीतना है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। हो, सैंपल आ गए। सिट बेटा, इसका डिजाइन और फैब्रिक सब चेक कर लो अच्छे से। जी, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें सबसे महंगे वाला कौन सा है? सर, वैसे तो सारे एक से बढ़ के एक हैं, पर ये सबसे महंगा वाला। ठीक है, इसे डन करो। और ये सेम फैब्रिक में मुझे रेड कलर भी चाहिए। ठीक, जाओ। जब तक सिट, ये डिजाइन इसका क्या हुआ? तुम गई नहीं अभी तक? सर वो मैं, हमारे लिए रुके हैं। थैंक यू। हमें कुछ सैंपल्स दिखाइए ना प्लीज। ये देखिए। ये नहीं, दूसरा। अच्छा तो वही था, पकड़िए प्लीज। ठीक है, तो एक ये और एक आपके हाथ में जो है रेड वाला, ये दो सैंपल हमें पसंद आए। पर तुम इन सब का करोगी क्या? फिक्र मत करो, फ्री में नहीं ले रहे। तुम्हारे स्टोर में जितने दिन काम किए हैं ना, उसकी सैलरी के बदले में ले रहे। पर क्यों? क्योंकि हम इस फैब्रिक से अपना खुद का डिजाइनर ड्रेस बनवाएंगे और एशियन मेट गाला में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा सैंपल पास होगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें 60 लाख रुपए मिलेंगे। हम अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, खूब कमाएंगे और इस घर को तुमसे वापस लेंगे। सिट,
अब ये बार बार फोन देखेगी तो फोन जल्दी तो आएगा नहीं, अपने टाइम पे आएगा ना। बाबा उठा 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 जल्दी उठा जल्दी उठा। जय श्री राम। हेलो मिस आशी। हाँ जी। क्या क्या हुआ क्या हुआ बताना। हम जीत गए। क्या तू जीत गई? तू जीत गई? काकी माँ खुश हो और बधाई हो। थैंक यू। आशी हमें तुम पे नाज है। हेलो अभी फोन तो चालू है, स्पीकर पे डालती हूँ। सॉरी सॉरी बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको मेल कर दी है। आपके नए बिजनेस के साथ हमारा कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आशी का डिजाइन था ही इतना अच्छा, उसे तो जीतना ही था। वैसे आशी तुम्हारे पास तो फैब्रिक भी नहीं था ना, तो फिर ये कैसे किया ये सब? मैम मैं दिखाती हूँ आशी के डिजाइन का वीडियो। अच्छा बाबा। हर शादी अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना अधूरी रहती है। आज हम ये दुल्हन का जोड़ा अपनी अपनी माँ की साड़ी से बना रहे। हमें पूरा विश्वास है हमारी माँ के आशीर्वाद से हम जो चाहेंगे हमें वो सब मिलेगा। मैया रे मैया, तूने इस घर के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी भी मिटा दी। हे भगवान, तू इसे कैसे कर सकती है? हाँ दादी, जब बाबा ने हमारी जान बचाने के लिए अपने बेटे को खो दिया, हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जाने कितने ताने कितने इल्जाम सही, तो हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। और रही बात माँ की, तो काकी माँ है ना। अब वैसे सिड के डिजाइन का क्या? हम बताते हैं। सिड भाई ने अपने डिजाइन दिए ही नहीं, सबमिट ही नहीं करे। क्यों? तुमने तो कहा था ना कि इवेंट तुम्हारे माँ के नाम से जुड़ा है, फिर क्यों नहीं भेजा? क्यों सिद्ध, तुमने ऐसा क्यों किया? एक मिनट। आशी तू पूछ रही है ये सब सिद्ध ने क्यों किया? ऑब्वियसली तेरे लिए किया। सिद्ध भाई ने अपने डिजाइन दिए ही नहीं। तुझे क्या लगता है वो तेरे खिलाफ खड़े होंगे? कभी नहीं। तुझे पता है उस दिन जब तू डिजाइन बना रही थी अपना, तभी सिद्ध भाई उधर ही थे। माँ ये आपकी शादी की साड़ी है, परसों तक इस साड़ी को हमने अपने सीने से लगा के रखा, पर आज हमारे बाबा के घर उनकी इज्जत का सवाल है। आज ये साड़ी हमें अपने आप से दूर करनी होगी माँ। सॉरी माँ। मैं कंपटीशन इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि इससे मेरे माँ का नाम जुड़ा है, लेकिन आशी ने तो मेरी माँ की आखिरी निशानी भी कुर्बान कर दी। मेरी चाहत से ज्यादा पावन इरादे हैं इसके। मैंने तय कर लिया निधि, मैं इस कंपटीशन से अपना नाम पीछे ले लूंगा। ये सब उन्होंने किया ताकि तू जीत सके, समझी? थैंक यू सिद्ध भाई। जानते हैं आज भी हमारे दर्द से तुम्हें दर्द होता है, पर अब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, पैसे कमाएंगे और धीरे धीरे तुमसे ये घर वापस ले लेंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा सिर्फ। हमने तुम्हें बहुत वक्त दिया लेकिन तुम नहीं बोली, अब हम बोलेंगे और सबको सच बताएंगे।
हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये शादी नहीं हो सकती। घर में मेहमान है, उसके सामने तमाशा होगा? तू मैं गाँव जाकर अपने प्राण त्याग दोगी? तू जानता है बहुत सिद्धि हूँ, करके दिखा सकती हूँ। जा बेटा, कसम में बहुरिया की मदद कर, जा जा। क्यों कर रही हो ऐसा? जानता हूं प्यार मुझसे है तो कुणाल से शादी क्यों? कह दो ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं है। ये रिश्ता तो मैं नहीं होने दूंगा आशी। सिद्ध, आओ हमारे साथ, कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने कहा ना तुम चलो मेरे साथ। सिद्ध, ये क्या कर रहे हो आप? बताइए आप क्या कर रहे हैं? क्या कह के लाए थे मुझे इस घर में? कि हम दोनों मिलके आशी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएंगे। मुझे और आशी को शादी करते हुए देखना चाहते ना? तो ये क्या हो रहा है? अगर ये शादी हो जाएगी तो मेरी और आशी की शादी कैसे होगी? आप उसे प्यार नहीं करते, अगर करते हैं तो ये शादी जाके रोकते क्यों नहीं? सिद्ध, हम जानते हैं कि आशी की खुशी तुम्हारे साथ बंधी हुई है, लेकिन क्या करें, हम एक कसम से बंधे हुए हैं। और उस कसम का क्या जो आपने आशी की माँ को दी थी? किसे जिंदगी भर खुश रखेंगे? बाबा है ना आप उसके? तो इस हक से जाके रोकिए ना उसे, शादी रुकवाइए। आपका बेटा कुणाल पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा है उसका, और ये तलाक वलाक सब नाटक। आप ये शादी रोकना ही नहीं चाहते। हाँ, आप लोगों की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते ना, इसलिए मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अच्छा, आप इसलिए शादी नहीं रुकवाना चाहते, जो पैसे आपने आशी के नाम पे किए ना वो वापिस आपके पास आ जाए। तुम हमें गलत समझ रहे हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मिस्टर अमित, आप बहुत शातिर आदमी हैं और गायन। सिद्ध, हमारी बात सुनो बेटा। बाबा, आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, हाँ। अजी, मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बाबा को धक्का मारा? जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया। बेटा, मारी वजह से तुम मत लड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? क्योंकि तुम्हारे बाबा कुछ बोलते ही नहीं है, कहते हैं शादी तुड़वानी है, तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ देनी है, लेकिन नहीं, असल बात तो ये है आशी कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई खुशियाँ देंगे ही नहीं। बस इट, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना हमारे बाबा के खिलाफ। ये शादी होके रहेगी और कल के कल होगी। तुम्हारी यही जिद है ना, पूरी दुनिया आके भी बोलेगी ना कि तुम ये शादी पैसों के लिए कर रही हो या किसी भी वजह से, मैं नहीं मानूंगा। आई नो, प्यार तो तुम मुझे से करती हो, और देखना कुछ भी कर जाऊंगा पर तुम्हारी और कुणाल की कल शादी तो नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें जो करना है कर लो, पर कल ये शादी होगी रहेगी। से आशी बेटे, माफ कर दीजिए काकी माँ। आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम कुणाल से कल ही शादी करेंगे। से तुम ऐसे हमारे बाबा का अपमान नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते हैं। पहले तो हम सोचने और मानने को तैयार ही नहीं थे कि अभी कुणाल से शादी, अब कल तुम्हारी आंखों के सामने वो हमारा पति बनेगा।